औरंगाबाद में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह भाजपा नेता विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज्य के सपना को साकार करने में लगे हैं, तो गुलामी के प्रतीक हटाकर भ्रष्टाचार मुक्त शासन वातावरण बनाने में लगे हैं। बिहार में अपराधियों और माफियाओं का मनोबल बढ़ गया है, अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या डकैती की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश का भाग्य बदल रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ सांसद महोदय और विधान पार्षद महोदय के साथ हम लोग बैठने का, पूरा देश राममय है और गांधी जी का राम राज्य का जो सपना साकार करने का वातावरण और संकल्प को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। गुलामी के प्रतीक को हटाकर राम राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वातावरण बनाने का बिहार के लिए दुखद है कि एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला शासन में बैठा है और इस व्यक्ति के कारण अपराधियों का माफियाओं का मनोबल चरम पर है और ये हर जिले के अंदर दिखाई पड़ रहा है। चाहे बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, जिसका परिणाम अभी विगत दिनों दुकानदार के पार्किंग को लेकर जो घटना घटित हुआ है, या जमीन माफिया हो, ये तमाम माफियाओं का मनोबल जब से राजद का सत्ता में भागीदारी चोर दरवाजे से हुआ है, जनादेश का अपमान करके, तब से बदतर स्थिति बिहार की बन रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान करके जिस पथ पर वो बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अराजकता को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए और जातीय उन्माद से बिहार को बचाने के लिए चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने बिहार को पूरी तरह से राजनीतिक और अस्थिरता का शिकार बना दिया। और जब जब राजनीतिक और अस्थिरता आती है, तब तब प्रशासनिक अराजकता फैलता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है और बिहार के अंदर आज वही स्थिति है, पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके ही परिवार से आपने देखा कि उनका भतीजा भी जो काम करता था रंगदारी का, आज उनका पोता पटना में जिस तरह से तांडव किया है, नशा करके फायरिंग करना, फायरिंग से दुकान बंद कराना, जो बाधक बनता है उसको पीट के अधमरा कर देना, जानलेवा हमला करना, परिवार के सदस्य और उनके साथ जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं, सभी का मनोबल हाई है, इसीलिए पूरी अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए समझौता किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संकल्पित है कि जंगल राज को हम लोगों ने लड़ करके हटाया है और इसकी जो मिशन है गुंडा राज स्थापित करने का, उससे भी बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। और उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही।